आज हमारी उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं, बम बंदूक और गोलियों से शांति संभव नहीं, बातचीत से ही युद्ध का समाधान। तो यूक्रेन युद्ध के बीच रूस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा कि बम बंदूक और गोलियों के बीच शांति संभव नहीं है, युद्ध के मैदान में किसी भी संघर्ष का समाधान नहीं निकल सकता। उन्होंने कहा, चाहे युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकी हमले हो, जब किसी की जान जाती है तो मानवता में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को दुख होता है, उसमें भी जब हम मासूम बच्चों को मरता देखते हैं तो वह दिल दहलाने वाला और दर्दनाक होता है। तो पीएम मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। रूसी सेना के लिए मोर्चे पर तैनात भारतीयों की होगी स्वदेश वापसी। तो रूस अपनी सेना में सहायक कर्मियों के रूप में भारतीयों की भर्ती बंद करने और वहां कार्यरत भारतीयों की वापसी पर सहमत हो गया है। कठुआ हेलीकॉप्टर व ड्रोन से आतंकियों की तलाश, डोडा में फिर मुठभेड़ शुरू हुई। राष्ट्रीय जाँच एजेंसी की टीम कठुआ आतंकी हमले की जांच के लिए बदनोता में झंडा नाले के पास पहुंची, जहां आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला किया था। वहीं डोडा जिले के वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मंगलवार देर शाम एक और मुठभेड़ शुरू हो गई। क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बल घड़ी भगवा जंगल में पहुँचे तो दहशतगर्दों ने गोलाबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब देते हुए घेराबंदी बढ़ा। विशेष विमान से लाए गए पार्थिव शरीर, आज होगा अंतिम संस्कार। उत्तराखंड के पांचों बलिदानियों के पार्थिव शरीर को पठानकोट से वायुसेना के विशेष विमान से मंगलवार शाम 4:30 बजे के करीब देहरादून एयरपोर्ट लाया गया। एयरपोर्ट टर्मिनल के पास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सेना के अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए गार्ड ऑफ ऑनर दिया। हाथरस कांड, एसडीएम सीओ एसओ समेत 6 अफसर निलंबित। हाथरस में सत्संग के बाद मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत के मामले में पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ने सिकंदरा राव के एसडीएम समेत 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। नीट पेपर लीक मामले में पटना से 2 गिरफ्तार। तो सीबीआई ने नीट यूजी लीक मामले में एक अभ्यर्थी समेत 2 और लोगों को पटना से गिरफ्तार किया है। केदारनाथ विधायक शैला रानी का निधन। तो केदारनाथ की भाजपा विधायक शैला रानी रावत का मंगलवार देर रात निधन हो गया, वह 68 साल की थी। पतंजलि ने 14 औषधियों का उत्पादन किया बंद। किडनी गिरोह का पर्दाफाश, डॉक्टर समेत 7 गिरफ्तार। तो दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने भारत और बांग्लादेश में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय किडनी रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 4 बांग्लादेशियों समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान आज। तो बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा उपचुनाव बुधवार को होगा। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुक्ता मिश्र एवं सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तुदास ने बताया कि बुधवार को सभी पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। जेल में बंद विचाराधीन बंदी की मौत, परिजनों का हंगामा। तो लड़की से खबर है, जेल में बंद एक विचाराधीन बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस और जेल प्रशासन की लापरवाही के कारण यह मौत हुई है। शांति बहाली के लिए हर सहयोग को तैयार। तो भारत रूस शिखर वार्ता व्यापार $100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा। उत्तराखंड एक साथ 5 जाबाज बेटों के शहीद हो जाने से गमगीन। तो देहरादून हवाई अड्डे के बाहर एक साथ 5 शहीदों के पार्थिव शरीर जैसे ही पहुंचे, वहां मौजूद लोग भावुक हो गए। माहौल में गम, गर्व और आक्रोश तैरता नजर आया। कठुआ आतंकी हमले में सोमवार को देश के लिए 5 जवानों के सर्वोच्च बलिदान से लोग गमगीन थे। मासूमों का काल बना पानी, 3 बच्चे डूबे, फौजी लापता।
तो अलग अलग घटनाओं में मंगलवार को पानी या से या भरे गड्ढे में डूबने से गरुड़ निवासी 5 वर्षीय मासूम बच्चे और काशीपुर में 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गई, जबकि शांतिपुरी में 14 वर्षीय किशोरी गोला नदी में बह गई और भीमताल में एक फौजी बरसाती गदेरे में बह गया। दोनों का देर शाम तक पता नहीं चल पाया। लाडिन ने पहली एआई सुंदरी का ताज जीता। तो मोरक्को की एआई मॉडल ने दुनिया भर की 1500 प्रतिद्वंदियों को पछाड़ कर खिताब पर कब्जा जमाया। आतंकी हमले में बलिदान 5 जाबाज उत्तराखंड के सपूत। गंभीर बने भारतीय टीम के कोच। तो बीसीसीआई ने पूर्व बल्लेबाज और 2007 T20 विश्व कप व 2011 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे गौतम गंभीर को भारतीय टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान की बढ़ेगी धनराशि। तो 14 सितंबर हिंदी दिवस पर उत्तराखंड और मदरसा बोर्ड के मेधावी छात्रों का होगा सम्मान। तिलू रोतेली व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार के लिए आवेदन तिथि बढ़ी। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्य स्तरीय तिलू रोतेली और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार के लिए आवेदन तिथि 17 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। प्रदेश में बिजली घरों की क्षमता बढ़ाएगा पिटकुल। केंद्र सरकार ने जमरानी बांध का बाकी 112.50 करोड़ रुपए मांगा। तिरंगा में लिपटकर लौटे वीर बलिदानी। तो बुझ गए 2 घरों के इकलौते चिराग। कठुआ में हुए आतंकी हमले में पौड़ी जिले के रिखणी खाल तहसील के 2 बेटों हवलदार कमल सिंह और राइफलमैन अनुज नेगी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके बलिदान होने की खबर से कोटद्वार से लेकर रिखड़ी खार तक शोक छा गया। दोनों जवान अपने घरों के इकलौते चिराग थे। देर शाम उनका पार्थिव शरीर पहले जौलीग्रांट एयरपोर्ट और फिर कोटद्वार लाया गया। बुधवार सुबह सेना के वाहनों से दोनों बलिदानियों के पार्थिव शरीर को उनके गाँव ले जाया जाएगा। कमल ने सोमवार दोपहर पत्नी से वीडियो कॉल पर की थी बात। तो रिखणी खाल के नौदानू ग्राम निवासी हवलदार कमल सिंह पुत्र स्वर्गीय केसर सिंह की अपनी पत्नी रजनी देवी से सोमवार दोपहर अंतिम बार वीडियो कॉल पर बात हुई थी। तब वह गश्त पर निकलने की बात कह रहे थे। अनुज की नवंबर में हुई थी शादी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। तो कठुआ में बलिदान हुए रिखणी खाल के डोबरिया निवासी राइफलमैन अनुज नेगी घर के इकलौते बेटे थे। उनकी एक बहन भी है। उनके पिता भारत सिंह वन विभाग में दैनिक कर्मचारी थे। मां सरता देवी गृहिणी हैं। अनुज का 8 माह पूर्व बीते नवंबर में विवाह हुआ था। गर्मियों की छुट्टियों में वह घर आए थे और मई के अंत में ड्यूटी पर लौटते समय सर्दियों में फिर से आने की वादा करके गए थे। आदर्श नेगी के परिजनों को रात में ही मिली बलिदान की सूचना। डागर क्षेत्र में मातम कीर्तिनगर ब्लॉक के धाती डागर निवासी राइफलमैन आदर्श नेगी के बलिदान होने की खबर उनके परिजनों को सोमवार रात 9:30 बजे मिली। तब से गांव में मातम पसरा हुआ है। बलिदानी आनंद की पत्नी और बेटे गांव पहुंचे तो उन्हें देखकर चीख पड़ी बूढ़ी माँ। जखोली विकासखंड के कांडा भरदार गांव निवासी नायब सूबेदार आनंद सिंह रावत जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में हुए आतंकी हमले में बलिदान हो गए। गांव में बूढ़ी मां का बेटे के बलिदान होने की खबर से रो रो कर बुरा हाल है। दुग्ध उपार्जन में 18% की बढ़ोतरी हुई। वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र पपेने पंचतत्व में विलीन हुए। कैसे मजबूत होगी शिक्षा की नींव जब विद्यालयों में गुरुजी ही नहीं। तो प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापकों के 1073 पद रिक्त हैं। छात्रों ने बनाई मोबाइल कंट्रोल कार। तो तंग गलियों और दफ्तरों के भीतर कम वजन वाले सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए ITI के छात्रों ने मोबाइल से नियंत्रित करने वाली कार तैयार की है।
आयुष्मान फर्जीवाड़े के बाद नियमों में बदलाव, सरकारी या नमक में डीलरों ने पकड़ी घड़तौली। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक 15 को होगी। तिली रोतेली पुरस्कार के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी। शिक्षा विभाग में भर्ती प्रक्रिया तेज करें, तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभाग में जारी विभिन्न भर्तियों को वर्तमान शैक्षिक सत्र में ही पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यमुना कॉलोनी स्थित कैंप कार्यालय में मंगलवार को डॉक्टर रावत ने विभागीय समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। वर्तमान में विभाग में करीब 11,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने बताया कि लंबे समय से प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा में विभिन्न कैडर में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। तो शिक्षा विभाग में 11,000 पदों पर होगी भर्ती। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में शिक्षा विभाग में विभिन्न संवर्ग में 11,000 पदों को भरा जाएगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को शीघ्र भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें प्राथमिक शिक्षकों, माध्यमिक शिक्षक, समग्र शिक्षा, प्रधानाचार्यों एवं चतुर्थ श्रेणी के पद शामिल है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा के तहत शिक्षकों के 3,900, माध्यमिक शिक्षा के तहत सहायक अध्यापक LT के 1,500, प्रवक्ताओं के 700, प्रधानाचार्य के 650, उपखंड शिक्षा के 100, डायड में खाली 624, समग्र शिक्षा के तहत CRP BRP समेत विभिन्न संवर्ग में 1,500 पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी के लगभग 2,500 पद भरे जाने हैं। डॉक्टर रावत ने विभागीय समीक्षा बैठक में शीघ्र डायड की नियमावली तैयार करने, विद्यालयों में चल रहे निर्माण कार्यों में तेजी लाने, PM श्री व क्लस्टर विद्यालयों को अब तक की स्थिति, आवंटित बजट, प्राथमिक विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं, भवन एवं कक्षा कक्ष, फर्नीचर, पेयजल व्यवस्था, विद्युतीकरण, भोजनालय, शौचालय आदि की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग में निर्माण कार्यों की अब हर महीने समीक्षा के निर्देश दिए। पुलिस उपाधीक्षक के लिए फिजिकल परीक्षा 16 से, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से PCS 2021 परीक्षा के अंतर्गत पुलिस उपाधीक्षक एवं कारागार अधीक्षक के पदों के लिए अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड परीक्षा 16, 17 और 18 जुलाई को आयोजित होगी। यह परीक्षा 40वीं वाहिनी PAC BHL हरिद्वार में होगी। इस संबंध में आयोग की ओर से अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। संस्कृत विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर परीक्षा की तिथि बदली, तो 10 जुलाई को होने वाली परीक्षा 22 जुलाई को होगी संपन्न। छात्राओं के अरमानों पर लगा ताला, अमेरिका से आई शिक्षिकाएं पढ़ा रहे गणित और विज्ञान। लोक सेवा आयोग ने जारी किया एडमिट कार्ड। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा PCS परीक्षा 2024 के तहत विभागों में रिक्त 189 पदों पर सीधी भर्ती करा रहा है। चयन परीक्षा के लिए राज्य के खिलाड़ियों ने 7 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किए थे। अभ्यर्थी अब 10 जुलाई से आयोग की वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि अभ्यर्थियों को डाक से एडमिट कार्ड नहीं भेजे जाएंगे, इसलिए वेबसाइट से एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा में आएँ। इसके अलावा उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2021 के साक्षात्कार में सफल 902 अभ्यर्थियों में से पुलिस उपाधीक्षक पद एवं कारागार अधीक्षक के लिए वरीयता देने वाले अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड परीक्षा 16, 17 और 18 जुलाई को 10वीं वाहिनी PAC हरिद्वार में होगा। ये अभ्यर्थी भी 10 जुलाई से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो BPSC ने जारी किया विज्ञापन, तो सहायक प्राध्यापकों के 1,339 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 26 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में 64 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 17 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी राज्य विमान निगम में 23 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 19 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। चौकीदार के 223 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 15 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए वॉक इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे, तो 15 जुलाई को इंटरव्यू होगा। सहायक निदेशक ग्रेड फर्स्ट के 12 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 3 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
नालियों में बहे दावे, सड़कों पर तैर रहे सवाल। बिंदाल में बही किशोरी का शव दुधली में मिला, तो तेज वर्षा के दौरान पैर फिसलने से बिंदाल नदी में गिरकर लापता हुई किशोरी का शव मंगलवार सुबह दुधली क्षेत्र में मिला। MDDA ने 184 बीघा में की गई अवैध प्लांटिंग पर चलाई JCP। स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार, चालक गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर है, स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार में लिप्त एक महिला सहित 4 आरोपियों को दून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। SSP ने 14 निरीक्षक और दरोगा किए इधर से उधर। तिब्बतन चाइल्ड होम से भागे 2 विद्यार्थी नारसंग बॉर्डर पर मिले। आपदा को लेकर के सरकार सतर्क, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, SDRF के साथ NDRF और सेना की ली जा रही है मदद। आयोग की परीक्षा, शारीरिक परीक्षा 16 जुलाई से होगी। नशे में बस चलाने पर चालक बर्खास्त, हल्द्वानी से खबर रही है। कुमाऊ में 3 बच्चे डूबे, फौजी गदेरे में लापता हो गया। बद्रीनाथ हाईवे बंद, जो यात्री जोशीमठ में रुके गए। कमरे में मृत मिला शिक्षक, तो रानीखेत से खबर रही है। खटीमा में जिंदगी पटरी पर लाने की जद्दोजहद, तो खटीमा सितारगंज नानक मत्ता की 25 सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, आज से राजस्व निरीक्षक करेंगे नुकसान का आकलन। बाढ़ में उजड़े अपने घरों का हाल देखकर छलके आंसू। न्यायिक अधिकारियों ने बताए नए कानून, मेडिकल पर नशे की सामग्री बेचने का आरोप, हंगामा, तो काशीपुर से खबर रही है। वही खबर है, रुद्रपुर से ट्रचिंग ग्राउंड में मिला युवक का शव, तो किच्छा रोड स्थित ट्रचिंग ग्राउंड के पास मंगलवार सुबह संदिग्ध हालत में युवक का शव मिला। बाजपुर में 12 फीट गहरे गड्ढे में 2 मजदूर हुए बेहोश, झांसा देकर साइबर ठगों ने 4.5 लाख उड़ाए। गश्त पर जाते वक्त पत्नी से हुई थी कमल की बात, शहादत हर चेहरा उदास, हर आंख दिखी नम। 3 साल बाद रिटायरमेंट की थी, रिटायरमेंट की तैयारी में थे विनोद। आदर्श की एक दिन पहले ही पिता से हुई थी बात, 24 साल में सबसे बड़ी शहादत। खत्याड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री का काफिला रोक कर बार का विरोध, तो अल्मोड़ा से खबर यह है। अल्मोड़ा में सोमवार रात लोगों ने मंत्री अजय टमटा से की बार बंद करने की मांग। अल्मोड़ा में लोग DDA के खिलाफ मुखर हुए, पद से हटाए जाने की आशंका पर रोष, तो SSJ विश्वविद्यालय में संविदा कर्मचारी विश्वविद्यालय के कुल सचिव से मिले। हरेला पर्व को राष्ट्रीय पर्व घोषित करें। पिथौरागढ़ में 8वें दिन पटरी पर लौटी विमान और हेली सेवा, पेट्रोल पंप पर उमड़ी भीड़, सब्जियों के लिए मारामारी, तो 7 पेट्रोल पंप जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में हैं। भारत नेपाल के बीच यातायात शुरू हुई, शिक्षकों की तैनाती के लिए प्रदर्शन, तो अटल उत्कृष्ट विद्यालय थरकोट बालाकोट में शिक्षकों की नियुक्ति करने, खेल मैदान मुहैया कराने, चतुर्थ श्रेणी कर्मी की नियुक्ति करने की मांग को लेकर के स्थानीय लोगों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। अकोड़ा खुर्द में खेत में दिखा गुलदार, टीम ने डाला डेरा, तो लक्सर से खबर रही है। बहन की ससुराल से लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। झबरेड़ा में महिला के साथ छेड़छाड़ में मुकदमा दर्ज किया गया। कर्मशाला अधीक्षक के पदों पर आवेदन मांगे, गढ़वाल विश्वविद्यालय में 15 जुलाई से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया। वही खबर है, विकास नगर से बाहरी लोगों को रेहड़ी ठेली का लाइसेंस जारी न करें, तो विधायक चौहान ने नगर पालिका पुलिस और व्यापारियों के साथ बैठक की। जौनसार के साथ सड़कों पर बाधित रहा यातायात, कालसी तक चलाई जाएं इलेक्ट्रिक बसें। मेतली में सड़क तक मरीज को 8 किलोमीटर पैदल डोली से लाए, तो पिथौरागढ़ से खबर है। पेड़ गिरने से 134 वर्ष पुराने चर्च को खतरा। टनकपुर में दूसरे दिन भी बंद रहा 12 ट्रेनों का संचालन, तो खटीमा बनबसा स्टेशनों में जल भराव के कारण बाधित रही ट्रेनें। स्वाला के पास 7 घंटे बंद रही ऑलवेदर रोड, चंपावत में 52 सड़कों पर आवाजाही ठप रही। चंपावत में बारिश से भारी नुकसान हुआ। अनाथ बेटी को गोद लेकर दुल्हन बना किया विदा। त्रिकोणीय मुकाबले में हार जीत की हर चौपाल पर चर्चा। राज्य गठन के बाद से बसपा कांग्रेस के बीच ही होता रहा
अब तक मुकाबला। चप्पे चप्पे पर बढ़ाई चौकसी, बॉर्डर पर वाहनों की तलाशी ली जा रही है। कांग्रेस ने चुनाव में धांधली की जताई आशंका। तो कांग्रेस नेताओं ने चुनाव में धांधली की आशंका जताई है। मंगलोर उपचुनाव के लिए रुड़की में कांग्रेस ने वॉर रूम बनाया है। बद्रीनाथ उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां पहुंची। जमरानी जमीन पर उतरने को तैयार, कर्मियों के आवास बनेंगे सबसे पहले। डॉक्टर को दौड़ाकर पीटा छात्र संघ अध्यक्ष समेत 6 पर मुकदमा दर्ज। तो हल्द्वानी से खबर है, MBPG कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष समेत 6 छात्र नेताओं पर मुखानी क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में घुसकर न्यूरो सर्जन डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। उधार पेट्रोल नहीं डालने पर सेल्समैन को पीटा। तो हल्द्वानी से खबर आई है, मधुमक्खियों का हमला, कई लोगों को काटा, युवक ने फांसी का फंदा लगाकर जान दी। तो नैनीताल से खबर आई है, नशे में रोडवेज बस चलाने पर चालक को बर्खास्त किया। कलियर में नगर पंचायत की टीम ने विरोध के बीच अतिक्रमण हटवाया। रुड़की की जेल में बंद विचाराधीन बंदी की मौत हो गई। चैम्बर लगाने को लेकर के हुई मारपीट हंगामा, तो रुड़की से खबर रही है, स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाते 4 गिरफ्तार हुए। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में बचाव कार्य शुरू करें। तो हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के पास भू कटाव का निरीक्षण करने पहुंचे CM। बाढ़ प्रभावितों को हर संभव सहायता दी जाएगी। बारिश से जिले में 5 करोड़ का नुकसान हुआ। बारिश से हुए नुकसान की सूचना रोजाना दे विभाग। दून में परिवार के 5 लोगों की हत्या करने वाला बरी। तो दून के आदर्श नगर में वर्ष 2014 में हुआ था जघन्य हत्याकांड। चिंताजनक, उत्तराखंड में 1 महीने 1 बाघ की मौत। तो बाघों के संरक्षण में तमाम प्रयासों के बीच उत्तराखंड में हर माह 1 बाघ की मौत हो रही है। मानसिक बीमार बच्चों का सर्वे होगा। बिंदाल में बही किशोरी की लाश दुधली क्षेत्र में मिली। दून में उमस से बेहाल, 3.2 डिग्री चढ़ा पारा। दून में शहीदों को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। रास्ते बंद पैदल पहुंची पोलिंग पार्टियां। तो बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए जोशीमठ विकासखंड के कई क्षेत्रों में मुश्किल से पहुंची या पोलिंग पार्टियां। नथुवाला में मेधावी छात्राओं को मिली छात्रवृत्ति। रामपुर जिला कांडकोट में अंडर ट्रेनी दरोगा ने दी गवाही। बिजली की ट्रांसमिशन लाइनों का 50 साल का प्लान तैयार होगा। व्यापारियों ने ऊर्जा निगम अफसरों को बंधक बनाया। साल्टा के 50 गांव में 4th दिन भी नहीं आया पानी। दलित युवती से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। तो बागेश्वर से खबर है, कोतवाली पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत दलित युवती से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसे न्यायालय में पेश किया गया। वही खबर, रानीखेत से संदिग्ध परिस्थितियों में प्राथमिक शिक्षक की मौत। प्राथमिक विद्यालय चौकुनी में तैनात शिक्षक अपने कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिला। वही खबर, अल्मोड़ा से स्मैक के साथ एक युवक को दबोचा गया। रानीखेत से खबर है, फांसी के फंदे में झूली नेपाली महिला। चाइल्ड फ्रेंडली सिटी में अतिक्रमण बना बाधा। तहसील की लिफ्ट 3 वर्ष से बंद, आंदोलन को जताया। जनता एक्सप्रेस 23 जुलाई से 5 अगस्त तक रद्द रहेगी। तो देहरादून वाराणसी के बीच चलने वाली जनता एक्सप्रेस 23 जुलाई से 5 अगस्त तक बंद रहेगी। तो रोजा रेलवे स्टेशन पर रिमॉडलिंग के चलते 3 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। मसूरी क्षेत्र में ड्रोन से घरों का सर्वे पूरा हुआ। सिडकुल के उद्योगों तक पहुँची कैलाश नदी। कटना नाले में बहे जगदीश का शव 3rd दिन बरामद हुआ। 1474 विद्यालय नहीं हो पाए रोशन, स्मार्ट क्लास की उम्मीद अंधेरे में। राष्ट्रीय से पहले होंगे राज्य स्तरीय खेल। तो राष्ट्रीय खेलों के प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों का चयन करना राज्य स्तरीय खेल का उद्देश्य। UTU के 12 छात्र समर प्रोजेक्ट के लिए चयनित हुए। मॉडल गांव के रूप में विकसित होंगे सुनार गांव व केमरिया सोन। शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे 11,000 पद। जोशीमठ से 1 किलोमीटर पहले बद्रीनाथ हाईवे का 5 मीटर हिस्सा ध्वस्त हुआ, आवाजाही ठप हो गई।
श्रवण की माँ बोली, मेरा बेटा बार बार कहता रहा मैं बीमार हूँ, फिर भी उठाकर ले गई पुलिस। तो जेल में बंद विचाराधीन बंदी की मौत का मामला। दूर में कूड़े का जितना बड़ा पहाड़ दाग हटाने की उतनी बड़ी चुनौती। तो सस्ता सर्वेक्षण रिपोर्ट कार्ड दून नगर निगम को कूड़े का पहाड़ हटाने में मिले थे शून्य नंबर। दिन भर खिली या धूप से बढ़ा तापमान। अमेरिका से आए शिक्षिकाएं पढ़ा रही गणित और विज्ञान। मसूरी के घरों का सर्वे हुआ। नैनीताल हाईकोर्ट ने फांसी की सजा पाए देहरादून के दोषी को अंडरगोन पर छोड़ा। शहर थानेदार समेत कई का तबादला। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर के सुर में भक्तिमय हुआ घंटा घर। बद्रीनाथ उपचुनाव 210 मध्य स्थल 1,02,145 वोटर 4 प्रत्याशी तो 193 पोलिंग पार्टियों पर जिम्मेदारी। बजट हाईवे बंद, पोलिंग पार्टियों को तय करनी पड़ी 5 किलोमीटर पैदल दूरी। पीजी प्रवेश परीक्षा में दूसरे दिन 1,678 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित। अनशन पर बैठे संत को देख रो पड़ी महिलाएं। एकल शिक्षकों के भरोसे 281 प्राथमिक स्कूल। तो नई टीरी से खबर है, नए सहायक अध्यापकों की नियुक्ति होने के बाद भी खाली रह जाएंगे 216 पद। 21 शिक्षकों ने किया दुर्गम स्थानों के लिए आवेदन। पहली बारिश में ही टपकने लगी अस्पताल की छत, हरिद्वार से खबर आई है। 9 किलो गांजे के साथ दो तस्कर गिरफ्तार हुए। आज मंगलोर विधानसभा क्षेत्र में रहेगा अवकाश। मधुमक्खियों का हमला, 60 लोगों को काटा तो हल्द्वानी से खबर है। ज्ञातिगण कृपया ध्यान दें, इन तारीखों पर निरस्त रहेंगी ट्रेनें। तो लाल कुआं से आनंद विहार टर्मिनल लाल कुआं विशेष ट्रेन निरस्त रही। नहाते समय डूबा सैन्यकर्मी, खोज जारी। 300 बालक बालिकाएं खेलों में दिखाएंगे दम। तो उदयमान खिलाड़ी यूनियन योजना में 1500 रुपये प्रतिमाह मिलेगी छात्रवृत्ति। छियासी सड़कों पर लगा आपदा का ब्रेक। रीटा साहिब में बंद सड़क ने ले ली बुजुर्ग की जान। शारदा घाट का ऊंचा कर भव्य बनाया जाएगा। थल में टमाटर 140 रुपये किलो पहुंचा। राजकीय इंटर कॉलेज खेला में भवन में बोल्डर से क्षतिग्रस्त कक्ष। टैक्सी स्टैंड पर क्रियाकर्म करने के विरोध में प्रदर्शन। वहीं खबर है, पिथौरागढ़ से राजस्व उप निरीक्षक को दी धमकी, महिला गिरफ्तार हुई। बेकाबू कार दुर्घटनाग्रस्त हुई तो लोहाघाट से खबर रही है। अल्मोड़ा जिले में 17 बागेश्वर में 14 सड़कों पर थमी रफ्तार। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर दो दिन बाद दौड़े वाहन। अल्मोड़ा जिले में बारिश ने लगाया पर्यटन कारोबार पर ब्रेक। वहीं खबर है, बागेश्वर से एक मकान ध्वस्त, 4 क्षतिग्रस्त हो गए। गरुड़ में पैर फिसलने से पानी गड्ढे में गिरा मासून, गई जान। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शिक्षक का शव। 4 महीने की गर्भवती का शव फंदे पर अटका मिला। तो अल्मोड़ा से खबर रही है, विकास खंड ताड़ी खेत के ग्राम लेटी कोठार के जंगल में 4 महीने की गर्भवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर फंदे से लटका मिला। दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। तो शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म के आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दर्द में शामिल होकर मदद का दिया भरोसा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया खटीमा वनबसा और टनकपुर के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा। मवेशी चराने गए 10वीं के छात्र की कीचड़ भरे गड्ढे में डूबकर मौत हो गई। और दिखने लगे बाढ़ के दिए जख्म, तो जगह जगह टूटी सीसी मार्ग बहे। वहीं खबर, सितारगंज से 150 घरों को हुआ नुकसान, 36 मकान रहने लायक नहीं है। न खाने का सामान बचा, न ढकने के लिए चादर ही नसीब हुई। वहीं खबर है, रुद्रपुर से 2 सूटों सहित 3 के खिलाफ NBW, रंजिश के चलते 2 पक्ष भिड़े। तो केला खेड़ा से खबर आई है, नैनीताल जा रही दिल्ली परिवार की कार पलटी, 2 लोग घायल हो गए। वहीं खबर है, काशीपुर से नशे के कैप्सूल बेचने का आरोप, हंगामा हुआ।
ड्रीम इलेवन में मुनाफे के लालच में 4.44 लाख रुपए गवाए।